सो हेलो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ इंडियन ई कॉमर्स। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोर नेम एंड बेसिक्स के बारे में। तो बेसिकली हम इस पूरे जो आज का एपिसोड है उसमें कवर करने वाले हैं कि आपको स्टोर नेम कैसे डिसाइड करना है और बाकी की चीज़ें जैसे स्टोर में बेसिक चीज़ें क्या होती है, ऑर्डर्स क्या होते हैं और वो सारी चीज़ें हम उसमें देखने वाले हैं। सेटिंग्स क्या होते हैं ये वो चीज़ें बहुत से देखने वाले हैं। आपको किस तरह से डोमेन वगैरह लेना है ये भी चीज़ें आज हम इस पूरे एपिसोड में देखने वाले हैं। बेसिकली अभी ये 4th एपिसोड से, तो आगे तक जितने भी एपिसोड रहेंगे आगे के कंटिन्यू आज के एपिसोड से, तो आगे के 7-8 एपिसोड जितने भी मैं डालने वाला हूँ वो सारे स्टोर क्रिएशन पे, वो सारी वेबसाइट क्रिएशन पे, कि कैसे आपको आपका खुद का वेबसाइट बनाना है, आपको आपका खुद का स्टोर बनाना है और वहाँ पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो मैं पूरा वेबसाइट बनाना बताने वाला हूँ। तो अगर से आप बिगिनर भी हो तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी होता है स्टोर बनाना। आपको कुछ कोडिंग वोडिंग आने की, कुछ IT का बंदा कंप्यूटर का बंदा होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल, अगर से आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी हो लैपटॉप का वगैरह इंटरनेट का, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और वो लोग जिनको ऑलरेडी स्टोर बनाना आता है, जो ऑलरेडी Shopify में घुस चुके हैं, जो ऑलरेडी स्टोर रन कर रहे हैं, वो भी प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको लगे कि चलो ये तो मुझको आता है, मैं ये एपिसोड स्किप कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ये एपिसोड पूरा देखना। सो डायरेक्टली चलते हैं अब हम हमारे लैपटॉप में सबसे पहले। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इसमें। सो पहले मेरे लैपटॉप का एक बता दूं कि मेरा स्पेस का बटन ख़राब हो चुका है, तो मैं यूजुअली ऐसा कुछ भी स्पेस कॉपी करता हूँ और वहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, मैं स्पेस कॉपी करता हूँ एक्चुअली। सो उसके लिए मुझे थोड़ा क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए। अभी हम देखते हैं कि स्टोर नेम आपको किस तरह से ढूंढना है। ठीक है, तो स्टोर नेम ढूंढने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है बिजनेस नेम जनरेटर, यहाँ से आप स्टोर नेम ढूंढ सकते हो आपके लिए। फिर यहाँ पे जो लीन डोमेन सर्च है यहाँ पे भी आप आपका कुछ ढूंढ सकते हो। ठीक है, और ये Shopify का खुद का एक बिजनेस नेम जनरेटर होता है, तो यहाँ से भी आप आपका स्टोर नेम ढूंढ सकते हो। तो स्टोर नेम कैसे ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी एक आधा वर्ड लेना है, आपका स्टोर नेम यूजुअली 1-3 वर्ड्स का ही होना चाहिए और इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए कस्टमर के लिए, वो जल्दी से उसको रिकॉल कर सके, किसी को भी इजीली बता सके, और थोड़ा सा कैची नेम होना चाहिए। ज़्यादा फंकी नेम मत रखना, लेकिन कैची और थोड़ा ट्रस्ट वर्दी नेम होना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखना चाहिए उस वर्ड के सामने, क्योंकि उसी स्टोर नेम के साथ में आप आपका कंपनी रजिस्टर करने वाला और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन दैट स्टोर नेम ओनली। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम पे हूँ मैं। ये सारा लिंक्स जो है मैं सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस नेम जनरेटर में जैसे होते, फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्टफ वर्ड डाला। ठीक है, इसको मैंने जनरेट किया, तो देखिए यहाँ पर ये सारे ऐसे स्टफ फील्ड, स्टफ बास्केट भी अच्छा नाम है। ठीक है, स्टफ बास्केट वगैरह ये सारे नाम आते हैं, तो इस पर से आपको सिर्फ आइडियाज़ लेने, आपको यही सेम वर्ड्स नहीं लेने, कुछ भी आप जैसे आप बास्केट आ गया, तो इस तरह से आप कुछ भी और चीज़ें कुछ भी आपके दिमाग में ला सकते हो और स्टोर नेम आपका रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में और यहाँ पे स्टफ सत्वा, स्टफ स्टेप, ऐसे बहुत सारे नाम्स हैं जो आप देख सकते हो। सेम वे आपको लीन डोमेन सर्च पे भी आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगी वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो स्टफ अगर से आप यहाँ पे भी डालो तो यहाँ पे तो बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, अराउंड 500-600 ये सजेशंस दे देते हैं लोग। ओके, सो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टफ के रिलेटेड सारे आपको बहुत से आपको नाम मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। यूजुअली आपको कॉमर्स वगैरह ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना है, आप डील्स वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी ट्रस्ट वर्दी डिफरेंट नेम यूज़ कर सकते हो, डेस्क वर्क वर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ डिस्काउंट वर्ड यूज़ मत करना, शॉप वर्ड यूज़ कर सकते हो करना हो तो। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। और वैसे ही ये Shopify का भी बिजनेस नेम जनरेटर है, यहाँ पे भी आप कुछ भी वर्ड डालो, या फिर स्टफ डालो, या फिर कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेस्क डालता हूँ, जैसे मेरा किचन डेस्क पहले था, मैंने बताया था आप लोगों को, तो उस तरह से आप यहाँ से कुछ भी stuffdesk.com या फिर stuffdesk.in, इस तरह से आप आपके स्टोर के लिए आइडिया जनरेट कर सकते हो और उस स्टोर नेम को आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो जब ये हो जाता है दोस्तों, इसके बाद जैसे आप आपका स्टोर नेम डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद में सिंपल है कि आपको सबसे पहले जीमेल पे जाना है और एक नया अकाउंट साइनअप करना है उस स्टोर के नाम से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक जीमेल, और मैंने एक ऑलरेडी, पहले तो बता दूं कि मैंने एक ऑलरेडी स्टोर नेम डिसाइड कर चुका हूँ, क्योंकि स्टोर नेम डिसाइड करने में यार बहुत टाइम चले जाते हैं, मुझे भी कल अराउंड 2-3 घंटे लग गए स्टोर नेम डिसाइड करने में। फाइनली एक मुझे स्टोर नेम मिला और मैंने डिसाइड किया है मेरे स्टोर का नाम perfectpic.in। ठीक है, मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मेरे स्टोर का नाम perfectpic.in रहेगा, जो मैं आपको पूरा बना के दिखाने वाला हूँ। परफेक्ट पिक काफ़ी ट्रस्टवर्दी लगता है और थोड़ा सा इजी टू रिमेम्बर है, perfectpic.in, कोई भी किसी को बता सकता है। ठीक है, तो उसका आपको सबसे पहले मेल बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे perfectpicindia@gmail.com बनाया। आप चाहो तो perfectpicofficial@gmail.com भी बना सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है।
उसके बाद में आपको सिंपल से डोमेन लेना है, तो GoDaddy पे जाना है और जो भी आप वर्ड यूजुअली जो भी आप स्टोर का नाम सोच रहे हो वो आपको यहाँ पे GoDaddy पे सर्च करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मैंने परफेक्ट पिक जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने यहाँ पे डाल के देखा कि perfectpic.com अवेलेबल है क्या, तो perfectpic.com अवेलेबल नहीं था। देखिए ये ऑलरेडी किसी ने खरीद चुका था तो वो 405 नहीं, उसका भी ब्रोकरेज फीस था तो वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सीधा देखता हूँ कि perfectpic.in अवेलेबल है क्या, वो देखता हूँ। ठीक है, सो यस perfectpic.in अवेलेबल है, 149 पर ईयर। ये आगे चल के और कुछ आपको टैक्स वैक्स लगा के आपका यहाँ पे रेट ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ टेंशन नहीं है हमें, हम आगे जितना भी कुछ 400-500 के आसपास आपको डोमेन ये मिल जाएगा। ठीक है, यूजुअली तो इस तरह से आप डोमेन बाय कर सकते हो। सो अभी ये perfectpic.in है, आप ये ऐसी इस तरह से यहाँ से आपका डोमेन खरीद सकते हो। ऐड टू कार्ट में जाके आगे आपको पेमेंट प्रोसीजर करनी पड़ेगी और आपको प्रोफेशनल मेल जैसे सपोर्ट का मेल होता है वो अभी फिलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने जो ये आपका बनाया था perfectpic.india@gmail.com ऐसी आपके स्टोर के साथ में आप मेल बना लीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके दो मेल रहना चाहिए, एक होता है अपना ये जो कि जैसे perfectpic.india@gmail.com, ये मेल आप सिर्फ आपके बिजनेस तक ही सीमित रखोगे। फॉर एग्जांपल आप किसी सेलर को आपका मेल दे रहे हो तो ये वाला मेल दोगे, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे मेल डाल रहे हो या फिर किधर भी शॉपिफाई पे जो मेल डालने वाले हो वो यहाँ पे perfectpic.india इस तरह का मेल अपने को यूज़ करना है। और बाकी जो support@perfectpic.in या फिर वो भी जो मेल सपोर्ट के जो मेल रहेंगे वो सिर्फ आपको कस्टमर के साथ में कॉन्टैक्ट रखना है उस मेल से। ठीक है, तो सपोर्ट वाला मेल सिर्फ कस्टमर्स के लिए रहेगा और ये जो अपना perfectpic.india या फिर perfectpic.official ऐसे जो मेल्स होते हैं वो हमारा सिर्फ हमारे बिजनेस पर्पसेस के लिए रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको सीधा जाना है shopify.in पे। यहाँ से आपको सबसे पहले तो अभी आपका स्टोर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए ऐसा होता है कि पहले के 14 डेज जो है वो फ्री रहता है, शॉपिफाई आपको फ्री देता है पूरा। ठीक है, 14 डेज ट्रायल फ्री देता है, उसके बाद में आपको मंथली पेमेंट बैठता है $29 पर मंथ का, जो कि अराउंड 2150 रुपीस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करते हैं अपना क्या है मेल, यस perfectpic.india@gmail.com, इसको आप स्टार्ट फ्री ट्रायल कर देना, पासवर्ड जो कुछ भी आप डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं डालूँगा। ठीक है, उसके बाद में स्टोर नेम, यस स्टोर नेम परफेक्ट, एज आई सेड कंट्रोल वी, मैं स्पेस के लिए पेस्ट यूज़ करता हूँ तो मैं कंट्रोल वी दबाता हूँ। ठीक है, पिक, तो ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो perfectpic.india देखते हैं, perfectpic.india शायद अवेलेबल, यस perfectpic.india अवेलेबल। तो आप इस तरह से भी आपका स्टोर का नाम रख सकते हो, इसे हम सिंपली क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी ये स्टोर आपका हो रहा है क्रिएट, सिट टाइट, यस सिटिंग टाइट, यू आर क्रिएटिंग योर स्टोर, यस योर स्टोर इज रेडी टू गो। ठीक है, अभी वेट अ सेकंड, थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा। ठीक है, तो आर यू ऑलरेडी सेलिंग, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, नो आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। ठीक है, ओके आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, एट ऐसा कर देते हैं। फिर डू हैव समथिंग टू सेल, नो आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड शॉपिफाई, व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू, जीरो डाल देना। फिर इंडस्ट्री ऑपरेटिंग, यहाँ पे अपन जनरल स्टोर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टोर्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, एक जनरल स्टोर होता है, एक नीच स्टोर होता है। ठीक है, तो जनरल स्टोर में बेसिकली आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है, आप किचन के भी प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, आप होम एंड गार्डन के भी प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, आप बेबीज के भी प्रोडक्ट डाल सकते हो, आप कहाँ के भी प्रोडक्ट उसमें डाल सकते हो, किसी भी कैटेगरी के आप प्रोडक्ट डाल सकते हो। अब नीच स्टोर क्या होता है, नीच स्टोर मतलब सिंपल ऐसा होता है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक नीच में स्टोर बनाओ, फॉर एग्जांपल किचन का नीच है तो आप किचन में बनाओ, बेबीज प्रोडक्ट का बना रहे हो तो बेबीज प्रोडक्ट के नीच में आप स्टोर बनाओ। ठीक है, इस टाइप के दो स्टोर होते हैं और एक होता है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर जिसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट ही डालना पड़ता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा शायद अभी पिकअप है तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, पिकअप हो गया है मेरा अभी, तो आई एम बैक। अभी यहाँ से हो गया, तो अभी ये यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, आप किसी क्लाइंट के लिए स्टोर नहीं बना रहे हो, आप खुद के लिए स्टोर बना रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद में आपके यहाँ पे आपको डिटेल्स भरने हैं, और जैसे अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी है, थोड़ा ओके, फिर एड्रेस डालूँगा सागर अपार्टमेंट, ये मेरे मैं घर का एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी रोड, फिर अमरावती, मैं अमरावती सिटी से हूँ, विदर्भ से, तो वो मैं डाल रहा हूँ। वन सेकंड, ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है,
तो अभी इंडिया स्टेट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मैंने स्टेट महाराष्ट्र डाल दिया, मेरा पिन कोड डाल दिया, फ़ोन नंबर जो भी है 75 पिन नंबर डाल दिया। फिर ये आपको थोड़ा सा 6 अभी नहीं डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर मैं स्टोर करना है। सो अभी आपका स्टोर होने वाला है पूरी तरह से क्रिएट। सो अभी वो स्टोर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो जाएगा, थोड़ा सा रुकते हैं। और ये हो चुका है आपका स्टोर पूरी तरह से क्रिएट, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ब्राइटनेस वापस से कम हो गया यार, ये इशू मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यस ओके सो आपका स्टोर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, ठीक है। सो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि इसमें ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, एप्स, ऑनलाइन स्टोर में भी कुछ चीज़ें होती हैं, थीम्स वगैरह, सेटिंग्स में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी ये समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ये समझाने के लिए मैं जो अभी मेरे करंट जो 2 स्टोर्स है उसमें से मैं आपको एक स्टोर के बारे में, एक स्टोर में जाता हूँ और वहाँ से आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि हर एक चीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। लेकिन ये स्टोर अपने को क्रिएट करना है, लेकिन अभी जो मेरा ऑलरेडी जो 2 स्टोर है उसमें से मैं एक स्टोर में आपको बताऊँगा कि आपको वो एनालिटिक्स पूरे पढ़ने कैसे, ये क्या क्या होता है हर एक चीज़ यहाँ, ठीक है। सो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मेरे स्टोर पे, ठीक है। मैं स्टोर का नाम नहीं रिवील करूँगा, यहाँ पे सब मैं बाद में ब्लर करने ही वाला हूँ, तो शायद हो भी गया होगा वीडियो में, देख रहे हो आप ब्लर ही होगा। तो यहाँ से ऐसा होता है कि देखिए होम में जो होता है आपका, यहाँ पे आपको टोटली ऑर्डर्स दिखते हैं। 1 सेकेंड हो गया ऑन वेरिफिकेशन, ग्राफिक्स एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पूरा होम में आपका डैशबोर्ड रहता है, यहाँ पे आपको सेल्स दिखता है। मैंने एक महीने का पूरा ले लिया, आज की तारीख 10 अक्टूबर है, तो मैंने पूरा यहाँ पे एक महीने का आपको डेटा दिखा रहा है। यहाँ पे आपको सेल्स दिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखते हैं, कितने क्या है, रिटर्न्स ऑर्डर्स कितने थे, रिटर्न्स कितने थे, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में होता है ऑर्डर्स, तो यहाँ पे आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखेंगे, आप किसी भी ऑर्डर में जाके सब चेक कर सकते हो, किसके ऑर्डर है, किसका नाम वाम, सब सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। फिर ड्राफ्ट होता है, तो ड्राफ्ट मतलब अगर से आपको कोई कस्टमर कांटेक्ट करता है आपके व्हाट्सएप पे या कहाँ पे, तो आप खुद किस तरह से ऑर्डर बना सकते हो उसके लिए वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और आप खुद किस तरह से उसके लिए ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो ड्राफ्ट ऑर्डर से। फिर होता है अबेंडेंट चेकआउट्स। अबेंडेंट चेकआउट्स मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन के पेज तक गया, सब उसने ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, सब कुछ कर लिया, अभी वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन के पेज तक किया गया, लेकिन उसने वहाँ से ही सडनली लेफ्ट कर दिया, तो वो आपके उसकी इन्फॉर्मेशन पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगी और वो अबेंडेंट चेकआउट में चले जाएगा, तो उसको कन्वर्ट करना वो आपका काम है, उसको कॉल करके, ठीक है। बाद में होता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, तो सिंपल आप यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है, जितने भी आपको प्रोडक्ट्स डालना हो। उसके बाद में होता है यहाँ पे, ये बाकी चीज़ें कुछ काम की नहीं, कलेक्शंस होता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस बना सकते हो, जैसे बेबी, अगर जनरल स्टोर, जैसे अपन जनरल स्टोर बनाने वाले, तो एक आप बेस्ट सेलर का कलेक्शन बनाओगे, एक न्यू अराइवल का कलेक्शन बनाओगे, और भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन बनाओगे, या फिर आप इस टाइप के भी कलेक्शन बना सकते हो, बेबीज़ प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट, ठीक है, किचन प्रोडक्ट्स, या फिर जो भी हो सकता है, क्लोथिंग वगैरह, इसके कैटेगरीज बना सकते हो, कलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। फिर कस्टमर्स होता है, यहाँ पे आपको सारे कस्टमर्स की डिटेल मिल जाएंगी, भले उन्होंने खरीदा हो या ना खरीदा हो, जो भी आपके स्टोर पे आया है उसने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फील किया, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे पूरा, ठीक है। फिर होता है एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स यहाँ पे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से डे का पूरा डेटा प्रॉपरली देखना है, यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको डेटा दिखेगा। तो लास्ट 30 डेज का जैसे देख सकते हो, 262 मेरा ये स्टोर का था, तो बस इस तरह से ये चीज़ें होती है। यहाँ पे रिटर्निंग रेट दिखता है कस्टमर का, यहाँ पे कितने सेशंस हुए, कितने विजिटर्स आपके वेबसाइट पे आए थे वो आपको दिखता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कन्वर्जन रेट दिखता है, कन्वर्जन रेट मतलब ये होता है कि समझ लो 100, जैसे यहाँ पे मेरा 3.75% है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 अगर से मेरे वेबसाइट पे कस्टमर्स आए, तो 100 में से 3.75% कस्टमर्स कन्वर्ट हुए, उन्होंने मुझसे कुछ ना कुछ खरीदा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑर्डर 200 रुपये का है, एक ऑर्डर 300 रुपये का है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकलेगा उसका 250, उसका मिडिल वाला जो होता है वो निकलेगा उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। तो अभी टोटल ऑर्डर्स भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं, और नीचे और भी कुछ डेटा होता है यहाँ से नीचे करें तो, लेकिन वो थोड़ा सा सेंसिटिव डेटा है मेरा, तो वो मैं दिखा नहीं सकता अभी। फिर यहाँ पे होता है लाइव व्यू, ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा 500 का ही कैंपेन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कम विजिटर्स दिखेंगे आपको और कम ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 97 आज सेशन हुए, फिर विजिटर अभी फिलहाल मेरे वेबसाइट पे 1 जन है, और ये इतने का सेल्स हो चुका है। वैसे तो यहाँ पे और एक सेल है जो कि अराउंड 1199 तक होना चाहिए टोटल इसका, लेकिन वो एक कैंसिल हुई थी ऑर्डर पिछली जूनी वाली, इसलिए
तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक्टिव कार्ड चेकिंग आउट परचेस, आप जब लाइव व्यू देखते हो तो यहाँ पे किसी ने कैसे एक्टिव कार्ड पे, किसी ने ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा कि एक एक्टिव कार्ड है। फिर वो वही बंदा कैसे चेकिंग आउट पे गया तो वो चेकिंग आउट का एक यहाँ पे बढ़ जाएगा। परचेस में भी उसने खरीद लिया तो फिर यहाँ पे आपको एक सेल का यहाँ पे ब्लू ऐसे दिखा देगा, ठीक है। फिर अभी मार्केटिंग यहाँ से कुछ अपने कुछ काम नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट्स, यहाँ से आप कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट कोड बना सकते हो। डिस्काउंट कोड कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिर होता है एप्लीकेशंस में आपको स्टोर के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे ताकि आपका स्टोर प्रॉपरली रन हो। एप्लीकेशंस में मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा पूरा प्रॉपरली, हर एक एप्लीकेशन वहाँ पे सेट करके दिखाऊंगा, तो उसका कुछ टेंशन मत लीजिए। फिर आता है ऑनलाइन स्टोर में यहाँ पे थीम होता है, आपको स्टोर पे कोई ना कोई थीम डालनी होगी तो आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से होता है ये, ठीक है, यहाँ से आप थीम डाल सकते हो। फिर ये कुछ काम करनी है, फिर पेजेस आपको डिफरेंट पेजेस डालने होंगे, फॉर एग्जांपल अबाउट का पेज और वो सारे पेजेस जो होते हैं, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, कलेक्शन पेजेस, वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कुछ टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, अभी आप सिर्फ वीडियो देखिए, ठीक है, देखते रहिए। फिर नेविगेशन, फिर वो डिफरेंट पेजेस को नेविगेशन, जैसे होम पे कोई गया था, फिर होम पे से वो अबाउट अस में कैसे जाएगा, होम पे से वो और प्राइवेसी पॉलिसी में कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें आप नेविगेट यहाँ से कर सकते हो। फिर डोमेन्स जो होता है, यहाँ से आपको यहाँ का डोमेन कनेक्ट करना होता है, जो भी हम GoDaddy से मैंने बताया, GoDaddy से हम खरीदते हैं, फिर यहाँ पे आपको कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन जाके वो आगे की थोड़ी सी सेटिंग्स करके आपको ये खरीद लेना पड़ता है। ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी, कोई अगर से पहचान को उससे आप करा सकते हो, या फिर बहुत सिंपल होता है, सिंपल यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन से क्लिक करने के बाद GoDaddy सेलेक्ट करके आपको वहाँ पे आपका लॉगिन डालना पड़ता है और वहाँ से आपको क्लेम करना पड़ता है कि वो मेरा डोमेन हो गया। उसके बाद में प्रेफरेंसेस रहता है, और इसमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का आईडी होता है, वो अपने को डालना पड़ता है, ठीक है। तो फेसबुक पिक्सल आईडी क्या होता है वो मैं सारी उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको बताऊँगा मैं क्या होता है। और बस यहाँ पे एक ये होता है अपना ये पासवर्ड होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जाते हैं सेटिंग्स में ये सारी चीज़ें होती है, जनरल लोकेशन, प्लान्स एंड परमिशन और ये सारी चीज़ें। सो अभी ये चीज़ें हो गई, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा, जिसका नाम रहने वाला है एपिसोड नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा स्टोर सेटिंग्स पे रहेगा। उसमें मैं ये सारी सेटिंग्स आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या सेटिंग्स इसमें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी इसके बाद में आपको सबसे पहले जो करना है वो मैं आपको बता दूं, आपको सिंपल यहाँ से वापस स्टोर पे जाते हैं, ये अपना स्टोर है जिसको अपन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें घुसने के बाद में आपका काम यही होगा, सबसे पहले कि आपके अकाउंट पर जाओ, ठीक है, और इस मेल को आप क्लेम करो कि ये आपका मेल है, आप वेरिफिकेशन कर लो, पहले चेक कर लेते आया क्या, ठीक है, वैसे ही मेल आ चुका है, अगर से नहीं आता है तो आप रिसेंड कर सकते हो, ठीक है। सो शॉपिफाई पे जाना है, कंफर्म ईमेल करना है, ओके। तो अभी हम ये मेल कंफर्म करेंगे, फिर योर ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो चुका है, अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाइड, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो योर स्टोर, एंड देन यहाँ से मैं जाऊँगा मेरे स्टोर पर, ठीक है। सो ये आप अभी बंद कर सकते हो, ये भी आप बंद कर सकते हो, ये लेके गया वो अपने को अपने स्टोर पे, अपना स्टोर अभी यहाँ से देख सकते हो आप कि मैनेज अकाउंट पे अगर से मैं जाऊँ तो यहाँ से वो मेरा, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे मेरा मेल बैठ चुका है, मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पे आप आपका नंबर भी डाल सकते हो जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पे आप आपका फ़ोटो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी सिंपल हमारा ये सब बन चुका है, कुछ स्टोर का अभी बेसिक्स मैंने आपको बता दिए कि स्टोर के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी स्टोर के बेसिक्स बता दिए कि स्टोर के बेसिक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद में अभी जो अभी मैं एक नेक्स्ट एपिसोड डालने वाला हूँ वो रहने वाला है एपिसोड नंबर 5, और उसका नाम जो रहने वाला है फिर से भूल गया, वो है स्टोर सेटिंग्स, ठीक है। तो मेरा फिर से पिकअप है, एक मिनट रुक जाइए। तो अभी एक्सप्रेस भी का भी मेरा पिकअप हो चुका है, जस्ट अभी पिकअप भी हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप सेटिंग्स ये सारे कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़, पहले अगर से आप नए हो इस चैनल पे तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ये पूरा सीखना है तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपडेट्स आते रहेंगे, नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना ताकि आपको अपडेट्स आते रहे और आप ये सारी चीज़ें सीख सको। अगर से अभी भी आपको इसका कुछ नहीं समझा कि स्टोर कैसे होता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं और डिटेल में कुछ बताने का ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे ज़रूर। और टेंशन मत लीजिए, अगर से आप टेक्निकल वाले नहीं भी हो तो भी आप इजीली स्टोर क्रिएट कर सकते हो, मैं पूरा स्टोर बना के बताने वाला हूँ। आगे के 7-8 कंटिन्यू एपिसोड इस पर ही रहने वाले हैं, पूरा स्टोर क्रिएशन पे बहुत सिंपल होता है, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और बस थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को, बाय।